जब चीजें आंखों के पास हो तो अक्सर धुंधली हो जाती है, फिर जब दूर होती है तो साफ दिखने लगती है। लेकिन अगर बहुत दूर हो जाए तो भी दिखना बंद हो जाती है। बत्रा निवास की सुबह की शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है, खास तौर से मेरी पत्नी किरण की। किरण इस मिडिल क्लास घर की अपर क्लास वाइफ, बराबरी ना होते हुए भी इनकी दादी को लड़का पसंद आ गया, लड़का यानी मैं, और आता भी क्यों ना, आखिर शरीफ लोग मिलते कहाँ हैं आसानी से। लव मैरिज ना सही, पर इस मैरिज में प्यार तो था, आधा चम्मच ही सही। प्रीति 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 प्रीति, मेरा अंग्रेज बच्चा, शकल अंग्रेजों सी और संस्कार पूरे भारतीय बनारसी। अबे ओए साले, उसमें डुबो डुबो के मारूंगी बकचोद। भैया जी गाली दे रही है। बेटा जो दे रही है ले ले, दूंगी खींच के। इस खूबसूरत गीत के साथ आपका दोस्त एहसार यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। कल फिर हाजिर होंगे आपकी फरमाइशी गीतों के साथ, तब तक सुनते रहिए एफएम रेनबो इंडिया। और ये मैं यशवंत बत्रा, इस कहानी का इकलौता सोता हुआ हीरो, इस बात से बेखबर कि ठीक 2 महीने बाद प्रीति और किरण मुझसे दूर हो जाएंगे। विश्वास नहीं हो रहा ना, क्योंकि दिख तो सब ठीक रहा है, घर में भी और बाहर भी। अच्छा एक बात बता, तू रात को सोया क्यों नहीं? पापा ने मेरा नाम जुगनू ऐसे ही थोड़ी ना रखा है। अच्छा अच्छा सुन, तुझे पता है रात भर तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों? क्योंकि तुझे अच्छा लगता है। तुझे पता है बादल क्यों बरसते हैं? क्यों? क्योंकि तुझे अच्छा लगता है। अच्छा भाई तू सुन, अगर पापा को पता चला ना कि मैं तुझसे फोन पे बात कर रही हूँ तो तुझे पिटता हुआ देख के तो मुझे बड़ा अच्छा लगने वाला है। अच्छा लगा ना, लगा थोड़ा सा। क्या कर रहा है ये शहजादा सलीम? अपनी मलिका लैला को ये ताजा तरीन गोभी का फूल पेश करता है। गोभी का फूल मेरी फेवरेट है। मेरी भी। राजमा चावल खाएंगे ना रात को? जो बनाना बना लो। एक हफ्ते से यही शर्ट पहन रहे और वो भी उल्टी, ये पहन लीजिए। मुझे कटवा लीजिए ना, अच्छे लगेंगे। ऑफिस वालों को पसंद है तो मैं क्या करूं? डब्बा रेडी है? रेडी है। प्रीति कहाँ है? प्रीति तेरे लिए पकाऊंगा। जुगनू पापा आने वाले हैं, तू अरे तो आएंगे तो मैं बात कर लूंगा ना। जुगनू जाना हो गई है तैयार, बाहर खड़ी है। आपको छोड़ के इस घर में सभी टाइम पे रेडी हो जाते हैं। डब्बा उब्बा सब लेके आओ नीचे। प्रीति जुगनू पापा आ रहे, तुझे जाओ। क्या हो रहा है ये? क्या चल रहा है यहाँ? ये सब क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? अंकल वो पतंग उड़ा रहा था। यहाँ बैठ के? जी अंकल वो कट गई थी तो दौड़ के पकड़ने आया था। और ये गोभी खरीद के लाए हो? नहीं अंकल वो पतंग पकड़ने आया था ना तो रास्ते में फ्रेश गोभी दिख गई तो खरीद ली। आपको चाहिए? देख रहा हूँ तुम्हारी हर पतंग मेरे ही दरवाजे पे गिर रही है आजकल। नहीं चलो घर में चुपचाप। पापा मैं कॉलेज जाना है ना, लेट हो गया इसलिए आपका वेट कर रही हूँ कब से। अरे लाओगी भाई? आ रही हूँ, 2 मिनट समय तो लगता है ना।
कितना टाइम? नया स्कूटर ना सही है, हेलमेट तो बदल सकते हैं ना। क्या खराबी है सुन भाई? हालत देखिए इसकी, खटखट है बिल्कुल, आईसीआईसीआई मार्क का। आईएसआई मार्क है मालूम। बत्ती है घर में? अंकल कल रात से नहीं थी, जनरेटर चलाना पड़ा था। आप क्या नहीं है तो लगा दूं मैं? अरे तेरे बाबूजी को पूछ रहा हूँ बेटा। ओ, वो तो सिधर गए अंकल, वो आजकल फिटनेस में लगे हुए ना, तो दौड़ भाग कर रहे हैं। वाह बेटा, पतंग उड़ा रहा है, बाप दौड़ भाग कर रहा है, पूरा खेल गांव बना लो गली को तुम लोग। गुड मॉर्निंग पापा। अभी अभी के बारे में पूछ रहा था तो कह रहा था कि कल रात से गायब है, किस घर होंगे किस घर नहीं पता नहीं। इसको अपनी तो खबर नहीं है। ये मेरी का खबर रखेगा, हमारी खबर तो उसकी माँ रखा करती थी। क्यों भाभी? भाभी बिल्कुल, देखो यही कह रहा हूँ, रोज किया करो कम से कम एक डेढ़ घंटे। देखो जूता बड़ा ठान लिया भाई साहब, कहाँ से जूते? बहुत अच्छे हैं ये, आपको अच्छा लग रहा है? बहुत पसंद आ रहा है मुझे, लिटरली वेरी गुड। जुगनू जी पापा, मैं चप्पल ले गया। चप्पल? वो कोल्हापुरी। क्या करे? ये आज से आपके हुए। क्यों भाई? नहीं मतलब नहीं 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 नहीं, हमारा उसूल है, जिसको जो चीज पसंद आती है हम उसको गिफ्ट कर देते हैं। अरे नहीं, खाली पैर कैसे करेंगे आप? प्लीज पापा, नंगे पाँव बोलो पापा को, वेट कर लो पापा जी, तो संभाल कर पापा, मैं जू पापा दे गए आपको। अरे क्या कर रहे हैं, गंदे हैं। न्यू है? न्यू कहाँ से? पहन के घूम रहे थे, भाग रहे थे, छोड़िए इसे। अरे छोड़िए ना, रख दो काम, चलिए अब जाइए, लपेट के रख देना। हाय बेटा, तुम्हारा बहुत गलत है ये सब, बहुत गलत है ये सब, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा मैं पापा कुछ नहीं, चलो मैडम बैठो। अपने यहाँ पे तैयार बैठी थी, आप ही का वेट कर रही थी पापा। तैयार हो रहे मैडम, कोई गोभी बेच रहा है, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई दौड़ भाग कर रहा है। पापा थोड़ा धीरे। अरे शुक्ला जी, बत्रा साहब कब आएंगे? अरे उनको खुद को नहीं पता वो कब आएंगे, आप फंसे बोल रहे हैं। अरे आ गए बत्रा साहब, नमस्कार। नमस्कार भैया शुक्ला, क्या हाल? बस ठीक है साहब। कल पार्टी मनाए तुम लोग को? अरे पार्टी का छीछा लेदर रही बस। क्या सर, एक तो चार घंटे की पोस्ट ऑफिस, ऊपर से आप एक घंटे लेट। अरे भैया आपको एक बार आना होता है ना साल में पिताजी का पेंशन लेने, यार रोज रोज आते हैं, देखियो ना बाहर का ट्रैफिक। ट्रैफिक से तो हम भी रोज आते हैं साहब। तो कल से हमको भी ले आया करो साथ अपने, रोज आते हैं। अबे पटौदी कब दोगे यार? सर वो बस दिमाग से उतर गया सर। तो मतलब इसको पड़ा रहने दे ऐसे ही? बटरा साहब वो बड़े बाबू आपको याद कर रहे थे। अरे उनका काम है क्या है, याद ही करते रहेंगे, याद ही करते रहेंगे। अभी बुलाएं? हाँ बोले, जैसे आए वैसे भेज देना। डेट लिख दो, चाय तक पीने का टाइम नहीं देता ये आदमी, चार साल बचा है रिटायरमेंट में। सुनो चाय बोल देना, साथ ही पियेंगे, पांच मिनट में आते हैं। सर ये हो गया, साइन करके रखो, आ रहे हैं। भैया श्याम भैया, एक एक पार्टनर एक। वो कुट तो उतार लीजिए कम से कम। ये तो पकड़ो जरा। क्या लाए? चिकन। आपसे पूछकर मैंने राजमा चावल बनाए थे तो भी आप ले आए। अरे कल खा लेंगे ना राजमा चावल तुम्हारा भाई, यही बना दो। कल पूर्णमासी है और बस। प्रीति। हाँ। सुनो बेटा, बेटा ये ले लेना, तेरे पापा ले आए, किचन में रख दो जाके। क्या लाए पापा? चिकन ले आए गलती से। चिकन लाए, चिकन लाए, चिकन। ध्यान से। अरे आप ही की चांदी है पापा।
चलिए प्याज कटेगा। कॉलेज से टाइम पे आ गई थी? हाँ आ गई थी। हटाओ ये सीढ़ी उड़ी, थोड़ा ठीक करो घर को आप। क्यों सब ठीक तो है? बेदी साहब आने वाले हैं आजकल में। किस लिए आ रहे? लड़की देखने। किसकी लड़की? अरे आप किसकी लड़की देखने आएंगे, अपने घर आ रहे हैं तो अपनी ही लड़की देखने आएंगे ना, पड़ोसी की लड़की तो देखने नहीं आएंगे अपने आप। बेदी साहब सवाल ही टेढ़े हैं तुम लोग के। उनके लड़के को देखा मैंने, अच्छा है, गवर्नमेंट सर्विस में है, अकेला ही है, प्रीति राज करेगी। मैंने तो हाँ कर दिया हम सब की तरफ। पापा आपने हाँ कर दिए? हाँ बेटा। और आपने मुझसे पूछा भी नहीं पापा, मुझे भी शादी नहीं करनी है। कब करोगी शादी, जब लड़के मिलना बंद हो जाएंगे? मम्मी इनको बताओ मेरी उम्र क्या। अभी उम्र तुम्हारी उम्र में तुम्हारी मम्मी तुम्हारी माँ बन गई थी, समझ रही होगी? नहीं देखिए तब की बात और थी, अभी तो उसका कॉलेज खत्म होने वाला है, हो सकता है उसके बाद भी वो कुछ और करना चाहे, एक बार उसे पूछ तो ले देना कम से कम। मतलब हमसे पूछा था किसी ने? निभा रहे हैं ना 24 साल से एक दूसरे के साथ, ये घर संभालती है, मैं दफ्तर जाता हूँ, इसको कहते हैं शादी, इस निभाने को। तुमको भी ये सब करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ना। चलो बच्चा मुस्कुराओ, हंसो। प्रीति, प्रीति। पापा मुझे नहीं करनी है शादी, सब अपनी चलाते हैं, शादी शादी। आप ही का किया धराया है ये सब। क्या मतलब? मतलब क्या, संभालिए और संभालिए, इस घर में मुझे कोई ऐसी बात नहीं सुननी है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब। पूरे दिन काम करके आओ और घर में ऐसे रहते। लुंगी दोगी? प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेरी प्रॉब्लम हर उस बाप की प्रॉब्लम है जिसके पास बेटियां हैं। आजकल के बच्चे ना भाग के शादी कर लेते हैं। कदे के बच्चे होंगे वो। भाई प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, अच्छा खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, उसका भला बुरा सबसे अच्छा मैं सोच सकता हूँ, सबसे बेहतर सोच सकता हूँ। फिर भाग जाएगी ना, भाषण देते रहिएगा आप। कैसे भाग जाएगी भाई, खिलाया है पिलाया है, दिन रात तुम लोगों के लिए लगा रहता हूँ, कैसे भाग जाएगी? प्रीति, प्रीति यहाँ बेटा, बताओ मम्मी को, जरा अपनी मम्मी को आज बता दो कि तुम भाग के शादी नहीं करोगी, हमसे पूछे बगैर शादी नहीं करोगी, बता दो मम्मी को। प्रीति, अरे बोलो ना। देख रही हो, आपके प्यार का नतीजा है ये सब काम आपको करना चाहिए, जो मैं घर में बैठ के बात कर रहा हूं। बर्फ जमाया आज की नहीं? रोज तो जमाती हूं। हाँ तो ठीक है ना, जमा के रखा करो। पानी पूछेगा इस घर में कोई? ठंडा पानी मिल जाए एक बोतल। ऑफिस से आते ही शुरू हो गए। प्याज पीस के डालना चिकन में।
कुछ चाहिए? नहीं। क्या सोच रही हो? प्रीति जब चल जाएगी तो घर में अकेले कैसे रहूंगी? आप रह लेंगे प्रीति के बिना? बेदी साहब कह रहे थे एक साड़ी में भेज दो लड़की को, तो मैनेज कर लेंगे। वो कुछ मांगे ना मांगे 100 खर्चे होते हैं शादी में। शादी का घर है, मुझे तो चिंता हो रही है। प्रीति सब ठीक है ना? कुछ नहीं। प्रीति, प्रीति क्या हुआ? पापा ने मेरी शादी बेदी अंकल के लड़के से तय कर दिया। अब वो नहीं मानेंगे, कुछ नहीं हो सकता। आप कहें तो मैं रवि से बात करूं, आखिर वो मामा है उसका, खुशी खुशी सब कुछ करेगा। और माँ ने भी प्रीति के लिए बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। घर भेज दूंगा, मंदिर में शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों से कुछ नहीं लूंगा। चले क्या हो गया अब? चुकनू, हम कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? मतलब मम्मा पापा को बिना बताए शादी कर रहे हैं यार, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? प्रीति तो क्या करें, तुम्हारे केशव भैया का इंतजार करें कि वो आए और तुम्हें ब्याह के ले जाएं और मैं उनका मुंह ताकता रहूं? प्रीति हम भाग के थोड़ी ना शादी कर रहे हैं, सिर्फ बिना बताए शादी कर रहे हैं। और सब कुछ जैसा है वैसे ही रहेगा, तुम अपने घर में अपने घर, और जब सही वक्त आएगा तो उनको भी बता देंगे। और वैसे भी हमारे घर है ही कितनी दूर, तू सांस भी लेती है ना तो मैं सुन लेता हूं। शादी कर ले। मेरी आंखें आंखों में तेरी आंखें महकती हैं, सांसें सांसों में तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें, तेरी सांसें। मेरी आंखें आंखों में तेरी आंखें महकती है सांसें सांसों में तेरी सांसें। अरे हाँ के रुत हो गई मद भरी, ये तेरी ही तो है जादूगरी, के छाया है खुमार तरा 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 तरा। मेरी आंखें आंखों में तेरी आंखें। अरे जुगनू, ऊपर आ जल्दी, बोल ना। अरे कोई भी नहीं है, अच्छी लग रही है क्या? चुप।
क्या hey, कौन है पापा? क्या हो रहा है क्या हो रहा है पापा? वो सामान, वो कंप्यूटर, कंप्यूटर अंदर रख रहा था पापा। नजरें उधर हैं, हाथ इधर हैं, कहीं गिर गया, टूट गया, तुझे पता कितना नुकसान हो जाएगा। कितने का पापा? और बेटा कैसी है तू? अच्छी हूँ अंकल। पापा कहाँ हैं? अंकल नीचे ही हैं। और मम्मी? घर पे हैं वो भी, पापा के साथ। तू क्या छत पे पावर सुखा रही है? नहीं अंकल, कपड़े। लौटी थोड़ी सी अंकल, बेटा इसको भी दे दे। पापा बस थोड़ी सी, इसकी माँ से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इसका ध्यान रखूंगा, लेकिन इसका ध्यान तो अंकल आपको बैग बहुत अच्छा है। बैग ये तेरे को अच्छा लग रहा है? जी। तेरे को पसंद है? जी अंकल। एक सेकंड, ले प्रीति को दे गया, जल्दी आना फिर से। चल चल। सुनिए, कल रवि की वेडिंग एनिवर्सरी है, पार्टी रखी है उसने, हम सबको साथ जाना है। फिर से साले साहब की सालगिरह, तुम ही चल जाना। अकेले जाती हुई मैं अच्छी लगूंगी। वो चाहता ही है कि तुम अकेली आओ, तभी उसने मुझे फोन नहीं किया। मुझे तो फोन किया था ना उसने, अब आपको करे मुझे करे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भैया, तुम ही चल जाना, मुझे सब चोचलेबाजी पसंद नहीं है। खुद हो लो। खुद तो हम सेलिब्रेट नहीं करते, दूसरे की खुशी में शामिल तो हो सकते हैं ना कम से कम। वैसे भी आपको प्रॉब्लम मैरिज एनिवर्सरी से नहीं, मेरे घर जाने से है। हाँ तुम्हें तो पता ही है। अरे कहाँ रख दिया स्क्रू ड्राइवर प्रीति? छोटी छोटी चीजें गायब है इस घर से, कोई ध्यान ही नहीं रखने वाला, घूमते रहेंगे इधर उधर, क्या है सब आजार बाजार, हटाओ यहां से। क्या कमी रखी है मेरे घर वालों ने, इतना सम्मान तो करते हैं आपका। चलिए हर बार जब वहां जाना होता है कोई ना कोई ड्रामा जरूर करते हैं। अब ये क्यों खोल दिया? यही खोल, संडे होता है इस घर में कुछ ना कुछ खुलना जरूर है। ये क्या है? मम्मी आप शॉपिंग गए थे? हाँ बेटा वो मुझे क्यों नहीं लेके गए? सॉरी। अब बताते भी नहीं हो यार आप, ये किसके लिए है? तेरे लिए है और किसके लिए है? थैंक यू, बहुत अच्छा है। और के लिए आए हो? गए किसके साथ थे आप? कमला आंटी के साथ गए थे बेटा। ये टी शर्ट किसके लिए है? मैं तो पहनती नहीं हूँ, तेरे पापा के लिए लाई हूँ। पापा ये देखो क्या है। वो छोड़ो, ये देखो
टी शर्ट किसका है? आपका और किसका है? क्या जरूरत थी इसकी? शादी सर पे है, लुटाए जाओ तुम लोग, सब कुछ लुटा दो इस घर का। ब्लड बेच करके मैं करूंगा इसकी शादी। शॉपिंग कर रहे हैं जी, पैकेट में डाल दे बेटा, कल वापस कर दूंगी मैं। मम्मी मम्मी सुनो ना। चुप रहे, उनसे मत बोल। तो आपसे बोलूं फिर? पापा क्या करते हो आप, क्या प्रॉब्लम है? पहन लोगे टी शर्ट तो? मुझे नहीं पहनना भाई, कहीं पहनना ही नहीं है मुझे। इतना शर्ट ये पहना नहीं टी शर्ट, एक और पहन लोगे तो क्या हो जाएगा? पापा प्लीज मत करो ना। तेरे ना प्लीज पापा पहन लो ना प्लीज। अरे जाओ 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 ना। कैसा लग रहा है? ठीक है। गर्मी नहीं है थोड़ी? नहीं नहीं प्रीति बोल रही थी लंबी दिख रही थोड़ी। अच्छे लग रहे हैं, यंग लग रहे हैं। कितने का दिया? डिस्काउंट के बाद 299 का। ये सब लिखने के बाद दिया यार, एक दो और ले लेती। अच्छा है मतलब घर में पहनने के। भाई साहब फिरोज खान को आई चिट्ठी? नहीं, फिरोज खान नाम की कोई चिट्ठी नहीं आई है। एक बात बताइए, हम अपना परिवार देखें, कारोबार देखें कि रोज रोज यहीं आते रहें? अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जाइए शुक्ला जी से जाके मिलिए। कहाँ है शुक्ला जी? अंदर बैठे हैं। एक महीने हो गया आप लोग रोज करवा रहे हैं ताना जी ठिकाना जी। शुक्ला जी एक चिट्ठी मेरी आनी थी। चिट्ठी आनी थी एक मेरी, फिरोज नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कल आ जाइएगा आप। कल नहीं आएंगे, बाहर खिड़की वाले एक महीने से बोल रहे हैं कल आइएगा इसीलिए आपके पास आए हैं। तो कल आइएगा ना। अरे बहुत जरूरी है वो चिट्ठी, आप सुनिए तो मेरी बात। भाई हमारे लिए हमारा काम बहुत जरूरी है भाई, आप सुनिए तो सही। एक महीने से दौड़ रहा हूँ, वो बोल रहे हैं इनके पास जाओ, आप बोल रहे हैं काम जरूरी है। भाई हमें एक महीने की रिपोर्ट बनाकर बड़े बाबू को देनी है, ये काम बहुत जरूरी है साहब, समझिए इसको, सरकारी काम है। उससे ज्यादा जरूरी है आपको लोगों की चिट्ठी सही समय पे उन तक पहुँचा देना, उसी के लिए आपका डिपार्टमेंट बना है। अच्छा साहब, तो अब आप हमको हमारी जिम्मेदारी समझाएंगे? हैं जी बिल्कुल समझाएंगे आपको, आपकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है हर आदमी की चिट्ठी समय से उस तक पहुंचनी चाहिए, और वो हो नहीं रहा, एक महीने से दौड़ रहे हैं। शुक्ला जी आप इधर आ जाओ। ये देखिए बत्रा साहब, ये साहब आए हमको हमारी जिम्मेदारी समझाने। कोई बात नहीं, तुम बैठ जाओ, रहने दो। क्या हुआ बताइए, हमको बताइए। सर कुछ नहीं, पिछले एक महीने से दौड़ रहा हूँ। वो बाहर जो खिड़की पे साहब बैठे हैं बोल रहे हैं कल आना परसों आना, इनके पास आए अभी वही बात कर रहे हैं। उधर अस्पताल वाले बोल रहे हैं कि पैसे जमा कराओ पहले, उधर इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं चिट्ठी हमारी तरफ से जा चुकी है, और ये साहब बोलते हैं हमारे यहाँ आई ही नहीं। अब बताइए क्या करूँ मैं। नहीं नहीं कुछ मत कीजिए, आप पास खाली एक काम कीजिए, ये यहाँ एड्रेस लिख दीजिए आप। आप पहुँचाएंगे जी? हम पर्सनली पहुँचाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी जी। ठीक सर। अच्छा इंग्लिश लाइन पे रहते हैं आप जी? नज़दीक हम छोड़ देंगे, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है भाई साहब, ये मेरी जिम्मेदारी है, खुदा हाफिज़। ठीक है सर। आप इधर से पीछे जी सर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है। अरे नहीं नहीं नहीं, हम जिम्मेदारी लिए तो हम पहुंचाएंगे। सर ये चिट्ठी टाइम से ना पहुंची तो? तुम भी चल लेती। पापा कल मेरा असाइनमेंट सबमिट कराने का लास्ट डेट है। मैंने देखा है, जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत होती है ना, तुम कभी नहीं होती हो, अपने नाना जी की तरह। प्रीति बेटा प्लीज आना इधर, ठीक कर दे से।
ठीक लग रही हूँ। पहचाना आपने, ये वही साड़ी है जो आपको बहुत पसंद थी। चलो अब ज्यादा हीरोइन मत बनो। मम्मा बहुत छिलक लो। मम्मा सही में बहुत छिलक लो। सुन रही हो? अरे आई। आधा लीटर पेट्रोल तो वेटिंग में चला जाता है। बाय बेटा, दूध गर्म करके पी लेना। हाँ भूलना नहीं। सब यही कर लो तुम लोग। बाय पापा। चलिए फूल भी लेने। ऐसे कैसे बैठी हो? क्यों? थोड़ा अलग हो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बाय मम्मी। जाओ तुम जाओ। आप भी साथ में चलिए ना। मैं आ रहा हूं, तुम जाओ। ड्राइवर बना के छोड़ा है तुम लोगों ने। अरे दीदी थैंक यू सो मच। अरे बैठी बैठी प्रीति, मेरी बात तो सुन। तू देख, अभी मुझे कुछ नहीं सुना। तू जा यहाँ से, अभी कोई देख लेगा, पागल हो गया क्या? अरे कोई नहीं देखेगा यार, मेरी बात तो सुन। मुझे पता है तू क्यों आया। तू बच्चा, यहाँ से मैं मार दूंगी। कुछ दिखाना है तुझे। क्या है? अपनी दुकान की चाबी। पता है कल ठीक 10 बजे तेरे पापा के पापी हाथों से दुकान का उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन पता है मेरा दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है कि दुकान का ताला सबसे पहले तेरे हाथों से खुले। क्या जी? आजी बड़ा बढ़िया डांस कर रहे थे। अरे तो कब सीखा? अरे क्या सीखा, टीवी देख के। मतलब दीदी बता रही थी कि प्रीति की शादी तय कर दी है। हाँ सोचा है, देख लिया, अच्छा लड़का है। मेरा साहब। और जी क्या चल रहा है आजकल? ये मेरा साहब है, हमारे दोस्त और इस शहर के बहुत बड़े बिल्डर। ओ जी भाई आदत है इसकी बोलने की। और आपको पता है इनकी बहन की शादी में दिल्ली के सारे होटल बुक थे। अच्छा। और यह है हमारे जीजा जी। अच्छा जी। हमारे जीजा जी की बेटी की शादी भी है, मेरी भांजी की। आप आएंगे ना मेहरा साहब? जरूर आएंगे भाई साहब। बेटी की शादी तो बाप का बहुत बड़ा सपना होता है, वैसे भी खर्चा हजारों में हो जाता है, करोड़ों में भी होता है। वैसे बिजनेस क्या है आपका भाई? ये स्कूटर किसका है? हटाइए यहाँ से।
निकालिए, हाथ ना लगा, निकालिए, वहाँ हटाइए, एक मिनट साहब, निकालिए निकालिए, शराब नहीं पिए हैं, अरे जल्दी ले चलिए भाई, चलो छोड़ो, आ रहे एक मिनट। चलिए अंदर चलिए, सब वेट कर रहे हैं। सब कौन? खाना तो खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। मुझे तो है। कोई तरीका है सोने का? इतना टाइम लग जाता है दरवाजा खोलने में। पापा आंख लग गई थी। आंख लग गई थी, घर क्या खाक संभालोगी तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। पानी देगा कोई? क्या कर रहे हैं आप बीच रात में? अरे मैं पूछ रही हूँ आपसे, कुछ क्या कर रहे हैं? मकान के कागजात ढूंढ रहा हूँ। क्या ये सब? क्या है ये सब? क्या गंद फैला रहे हैं? इतनी मेहनत से मैं सारा दिन ठीक करती हूँ, कर क्या रहे हैं आप? बस कीजिए, क्या कर रहे हैं? घर भेजूंगा मैं अपना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या हो रहा है ये? घर भेज दूंगा, दिखाऊंगा कैसे करते हैं बेटी की शादी। किसे दिखाएंगे? रवि को? हाँ रवि को दिखाऊंगा। नहीं आपकी अकल कहां गई है, बीच रात में सब कर रहे हैं। जाओ जाके पानी लेके आओ तुम। देखिए समझदारी से काम लीजिए, अपना पुश्तैनी मकान कोई ऐसे ही बेच देता है। 1918 मैं कोई बेचना थोड़ी चाहता हूं इस घर को। इसी घर में बच्चा था मैं, छोटा सा, सारी दीवारें जानती हैं मुझे, यह गली जानती है मुझे। ये मैं बेचूंगा इसको, अपनी बच्ची के लिए बेचूंगा और दिखाऊंगा लोगों को कैसे होती है शादी। क्या हो गया है पापा? क्या पापा? पापा पापा क्या? अगर आप मेरी शादी के लिए घर बेचना चाहते हैं तो जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत है इसकी, जरूरत है। तुम्हारी शादी बहुत अच्छे तरीके से होगी, होगी शादी, जरूरत है। मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कुछ करेगी मैंने भी नहीं सोचा था। आराम से बात कीजिएगा, बहुत डरी हुई है। क्या हुआ सब? पापा मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? ये क्या कर रहे हैं आप? ये छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है? यही बताने वाली थी ना, शादी करके आ गई हूँ। भरोसा नहीं था हम पे, मर गए थे हम। था ना भरोसा?
था भरोसा पापा, था भरोसा पापा कि आप मेरी शादी किसी से भी करवा देते। तो क्या फर्क पड़ता है? जिसे ना आप जानते हो ना मैं, फर्क पड़ता है। आपके लिए तो हर काम पापा सिर्फ आपकी ड्यूटी है ना, मैं मम्मी घर सब आपकी ड्यूटी है। देख रही हो तुम्हारी जुबान बोल रही है ये। नहीं पापा मैं अपनी बात बोल रही हूँ, मेरी शादी भी सिर्फ आपके लिए ड्यूटी है और आप अच्छे से निभाते हो अपनी सारी ड्यूटी, लेकिन आप सोचते सिर्फ अपने बारे में हो। अरे आप 24 सालों में मम्मी की फीलिंग्स नहीं समझ पाए, मेरी कैसे समझते पापा? ऐसे नहीं बात करते बेटा पापा से। बोलने दो उसे। हाँ मम्मी मुझे बोलने दो, जो 24 सालों में आप नहीं बोल पाई ना प्लीज मुझे बोलने दो। आपको पता है इतने सालों में मुझे सिर्फ क्या याद है? आप दोनों के लड़ाई झगड़े और मम्मी का घुटघुट के जीना, और मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। मुझे नहीं जीना है मम्मी की तरह, इसलिए मैंने उससे शादी की जिससे मैं प्यार करती हूँ। क्या गलत किया मैंने? पापा पता है वो मेरी हर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है, मैंने कब क्या पहना था, मैं पहली बार उससे कब मिली, आपको पता ये सब चीजें? आपको मम्मी का बर्थडे तक पता है पापा? आप तो ढूंढ लाते ना अपने जैसा एक, यही चाहते हैं ना पापा कि मैं मम्मी की तरह जीऊं जिंदगी भर। आप प्यार करना जानते हैं पापा, अपना प्यार करना जानते हैं ना चाहते हैं? मैं कुछ गलत कह रही हूं मम्मी? तकलीफ तो मुझे भी हो रही है, मां हूं मैं उसकी, उसने मुझे भी नहीं बताया। मानती हूं उसका तरीका गलत था, पर उसने जो किया वो गलत नहीं है यश। तुम भी तरफदारी कर रहे हो इसकी? तरफदारी नहीं कर रही। एक तो परवरिश में गलती, ऊपर से पक 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 पक, तरफदारी नहीं तो क्या है ये? क्या है ये बोलो? आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। बोलो अब तुम भी कुछ बोल ही दो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। बोल दो भाई, बात करने ही से तो मुझे पता चला कि मेरी बेटी मुझे प्यार नहीं करती। अब तुम भी बता दो कि तुम मुझे प्यार करती हो कि नहीं करती हो। आपको कुछ समझा के क्या फायदा? आप तो समझते हैं कि आप ऑफिस जाते हैं मैं घर संभालती हूँ, यही प्यार होता है। और क्या होता है प्यार? ये प्यार होता है, इसे जिम्मेदारी कहते हैं यश, इसे काम कहते हैं जो आप और मैं बरसों से निभा रहे हैं। प्यार क्या होता है इसका एहसास आपको नहीं है। प्यार होता है एक दूसरे की कदर करना, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना। प्यार होता है कोशिश, एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश। आपको तो परवाह ही नहीं है मेरी, आप मेरी कदर नहीं करते। आपको याद है आप कब इस तरह मेरे पास बैठे थे, कब आपने इस तरह मेरे पास बैठकर मुझसे बात की थी? आप होते हैं मेरे पास पर मेरे साथ नहीं होते। प्यार नहीं करते आप मुझसे। तो रह क्यों रही हो मेरे साथ? कहां रह रही हूं मैं आपके साथ? रही तो रही हूं, कोई किराया मांगता हूं क्या मैं? रह रही हूं तो रह रही हूं बस। मैं नहीं रह रही आपके साथ, मैं सिर्फ निभा रही हूं आपके साथ, आपकी जिम्मेदारियां उठा रही हूं मैं। आपकी सुबह की चाय की जिम्मेदारी, आपके टिफिन की जिम्मेदारी, आपके कपड़ों की जिम्मेदारी, आप शाम को ड्रिंक के साथ जो बर्फ मांगते हैं ना उस बर्फ की जिम्मेदारी। इस तरह निभाते निभाते आधी जिंदगी तो कट गई है, बाकी भी कट जाए। वेरी गुड,
तुम ऐसा करो, मुझे छोड़ दो, मैं ये घर और खुद को संभाल लूंगा, छोड़ दो मुझे। आपको एहसास है कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ मुझे मालूम है मैं क्या कह रहा हूँ। आप मुझे जाने को कह रहे हैं? हाँ, एक एहसान करो मुझ पर कि अब कोई एहसान ना करो मुझ पर, प्लीज निकल लो तुम। आप चाहते हैं कि मैं चली जाऊं ना? चली जाऊंगी, अपनी बेटी की शादी करवा के चली जाऊंगी। पहले उसे विदा करूंगी, फिर खुद विदा लूंगी। आपका घर है, आप यहां खुशी से रहिएगा, अकेले मेरे बिना। खुशी खुशी चली जाऊंगी मैं यहां से। अकेला रह लूंगा मैं, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, बाहर में जाओ तुम लोग, मेरा घर है, अकेले ही रहूंगा मैं इस घर में, बाहर में जाओ तुम लोग। मोरे बनी के मेहंदी लगा दे सकी, मोरे बनी के मेहंदी लगा दे सकी, कब से सोना कटोरा में, सोना कटोरा में, कटोरा मेरे धोले सखी, मोरे बनी के मेहंदी लगा दे सखी, मोरे बनी के मेहंदी लगा दे सखी। बार बार ये मैं गुप्ता अंकल को दिया था, ठीक है, और मैं यहीं आके पीऊंगा, ढक के रख दे। कुछ खा लो पापा, सुबह से कुछ खाया नहीं है। अच्छी है ना मैंने बनाई है? अच्छी है। आज मैं ही तो जा रही हूं, माफ नहीं करोगे? सॉरी पापा, सॉरी। मोरे बन
मैंने आपसे कहा था ना कि आज से ठीक 2 महीने बाद प्रीति और किरण मुझसे दूर हो जाएंगे। मां एक बात बताओ, आप लोगों ने उस लड़के में क्या देखा था? ना शकल है, ना सूरत है, ना अकल है, ना घर और ना ही पैसा। बस लड़का देखा था। लो लड़का। और लड़का भी ऐसा कि मुझे शादी में अपने दोस्तों को बुलाने में शर्म आ रही थी। बस करो ना रवि, बहुत हो गया, बड़े हैं तुमसे, कुछ लिहाज तो कर लो। बहुत लिहाज कर लिया मैंने। और दीदी, आप दोबारा उस घर में वापस नहीं जा रहे हो, हमारे साथ कनाडा जा रहे हो, दैट्स इट। फिलहाल तो मैं घर जा रही हूँ। ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई है? जुगनू प्रीति शादी के बाद पहली बार घर आ रहे हैं, मेरा घर पे होना जरूरी है। मां प्लीज, इस बार में और कोई बात नहीं होगी। मैं बोल रही हूँ, 6 दिन के लिए जा रहे हैं, बस खत्म बात। 6 दिन क्यों प्रीति? हनीमून मनाने जा रहे हैं, घर बसाने नहीं। 2 दिन के लिए जाएंगे, 2 nights 3 days best। 2 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं यार प्रीति, इतनी दूर। पैसे की बचत, समय की बचत, 2 days। मम्मी। हाँ बेटा। एक बार सुनना प्रीति, पापा जी आ गए। प्रणाम पापा जी। सरप्राइज हो गए ना? हो गए ना पापा जी, सरप्राइज हो गए ना? बिल्कुल बिल्कुल हो गया, बोला था मैंने हो जाएंगे सरप्राइज। आपका टिफिन कहाँ है? बाहर ही खा लिया था। कब आए तुम लोग? पापा जी मैं तो कब से यहीं हूँ, बस आपको दिखा नहीं। पापा ठीक है तुम्हारे? हाँ बिल्कुल ठीक है पापा जी। पापा जी देखिए जुगनू आपके लिए क्या लाए हैं। क्या है ये? देखो ना पापा, शर्ट। आपका फेवरेट कलर पापा जी, पिंक शर्ट, 42 साइज, एक्सपेंसिव ब्रांड, जस्ट फॉर यू। क्या 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 जरूरत क्या थी इसकी? अरे जरूरत है पापा जी, सख्त जरूरत है, और आपकी हर जरूरत को पूरा करता हूँ मैं। ये देखिए आपके फेवरेट टुंडे कबाब्स, 72 rupees पर प्लेट। आज पूर्णिमा तो नहीं है? नहीं, पूर्णिमा हो या होली क्या फर्क पड़ता है पापा जी, आप खाइए ना, आपके फेवरेट है, बहुत खर्चा किया है। बहुत खर्चा करते हो तुम, दे दो अपनी मम्मी को। प्रॉमिस आप खाओगे ना? हाँ हाँ भाई मैं खाऊंगा। थैंक यू बेटा। कह रहे हैं मनाली जा रहे हैं। कौन जा रहा मनाली? प्रीति जा रही है। क्यों भाई? शादी हुई है हनीमून के लिए। जो करना है करो। अकेले जा रहे हो? पापा जी हनीमून, ये भी जाएगी ना साथ में। कौन सी ट्रेन से? हिल स्टेशन है तो ट्रेन तो जाती नहीं है, तो गाड़ी से जाएंगे, 4 पहिए की सवारी। पापा जी मैं तो कब से बोल रही हूँ शिमला जाते हैं। तो शिमला चली जाओ। अरे शिमला शिमला फिर शुरू हो गई तुम, अभी मनाली डिसाइड हुआ ना मम्मी जी। देखो मम्मी जी ने कहा ना मनाली, डिसाइड कर लेते हो सब चीज। मम्मी ने कहा ना मनाली तो मनाली। मम्मी जी आप भी मनाली गई थी ना, आप ही ने कहा था तो मनाली जा रहे हैं, है कि नहीं? मनाली गई थी ना आप? अच्छा आप ही बता दो आप कहाँ गए थे। मैं तो 80 घाट से राजघाट, उस घर से इस घर। बर्फ दे दो।
हेलो आप कब तक आएंगे? क्यों? मैं जा रही हूं। तो जाओ फिर, क्या फर्क पड़ता है? शायद आपको नहीं पड़ता, पर मैंने खाना बना दिया है, फ्रिज में रख दिया है, नीले डब्बे में रोटियां हैं, याद से खा लीजिएगा। तुमने खाया? भूख नहीं है मुझे। ठीक है, तुम चली जाओ, मुझे बड़े साहब बुला रहे हैं, मैं थोड़ा बिजी हूं। जन्म जन्म के लिए प्रीत की बांधी डोर थी जिनसे ढाई आखर प्रेम के फिर भी कबहू न बोले उनसे कब हूँ ना बोले उनसे पिया मोसे रूठ गए कैसे मनाऊं कौन जतन करूं कैसे मनाऊं सूझत कछु नहीं मो है या मोह से रूठ गए किसकी दुहाई मैंने ही दर्द की फसल उगाई है ये भी तो दे जिया किसकी दुहाई मैंने ही दर्द की फसल के बोए है
आता है, रोज आता है वो। फ्रिज में रखा है क्या दूध? हाँ रख देता हूँ सुबह। अच्छा आप कपड़े दे दीजिएगा, मैं कल धो दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं खुद धो लूंगा वैसे भी। क्यों, मैं धो दूंगी ना पापा? पापा अभी तक पीना नहीं शुरू किया आपने, खाना कब खत्म करेंगे? अब पीना वाना छोड़ दिया मैंने, बहुत पी ली। सही कह रहे हैं। बहुत मेरे प्यारे पापा। अच्छा पापा मैं आपको पानी लेके गुड नाइट लगा के जाऊं? मैं गुड नाइट लगा लूंगा। अच्छा पानी तो दे दूं। सुनो यहाँ जी, इतना बढ़िया खाना बनाया है, तुम भी खा लो मेरे साथ। क्या वो उस पागल से शादी करके तुम भी पागल आ गई हो? जुगनू के बिना खाना नहीं खाती ना, कैसा है वो? अच्छा है। नहीं पापा। नहीं पापा। अच्छा मैं आपको पानी देके जाऊं? हाँ। बेटी। जी पापा। बिल्कुल मम्मी की तरह सब्जी बनाई, आलू जीरा। अच्छा बचेगा तो फ्रिज में रख देना, ले जाऊंगा कल। ठीक है पापा। ये लीजिए, मैं गुड नाइट लगा के जाती हूँ पापा, कल सुबह आती हूँ। थैंक यू। आप कपड़े निकाल के रख देना। हाँ। बाय पापा। बाय, गुड नाइट, आराम से जाना। आप खुश हैं ये सबसे? वो तो खुश है ना। फिरोज जी घर पे हैं? फिरोज जी, अरे नमस्कार। आप? जी मैं वो इधर से गुजर रहा था तो बाय चांस आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपने जहमत क्यों उठाई? अरे वो तो मेरा कर्तव्य है, मेरा चलता हूं मैं। अरे नहीं, चाय तो पी के जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, चाय कुछ देरी नहीं होगी। देखिए मैं चाय बेहतर बनाता हूँ और सुमन कॉफी अच्छी बनाती है, तो आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? भाभी से बोल के एक कॉफी भी बनवा दीजिए। जी बस अभी लाया। जी आप बैठिए ना। जी जी शुक्रिया, बहुत पुराना घर है आपका। जी अकेले रहते हैं या बाल बच्चे भी? नहीं बच्चे नहीं अभी। बहुत बढ़िया कॉफी बनाई है भाभी ने। बहुत बढ़िया, इतनी अच्छी कॉफी बनाती है सुमन की, मैं भी मिस कर रहा हूँ। मतलब ये कॉफी उन्होंने नहीं बनाया? जी नहीं, मैंने बनाया है। आप भी तो चाय कॉफी बनाते होंगे अपने घर में? हाँ। दरअसल सुमन पिछले 2 महीनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। क्यों, क्या हुआ उनको? कुछ ब्रेन से संबंधित बीमारी है। ओह। ये जो चिट्ठी आप लाए हैं इसमें इंश्योरेंस कंपनी का चेक है, कुछ सांसें और दिला दें उनको। लव मैरिज किया था आप लोगों ने? जी लव मैरिज और मैरिज लव दोनों। हाँ लव मैरिज मतलब शादी के पहले मोहब्बत, और मैरिज लव मतलब शादी के बाद भी मोहब्बत। अब तो ऐसी आदत हो गई है, खाने बैठते हैं तो 2 प्लेट लग जाते हैं, चाय कॉफी पीने बैठे तो 2 कप लग जाते हैं अपने आप, एक मेरे लिए एक सुमन के लिए। सर वो वैसे होता है ना अमूमन कि लोग शादी के बाद दुनियादारी में लग जाते हैं, प्यार मोहब्बत नहीं रहता है, बट हमारा तो कुछ अलग ही हुआ। शादी के बाद
मोहब्बत इतना बढ़ता गया कि जिंदगी कम लगने लगी जी। आपका फोन, मैं चलता हूँ, ठीक है? जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह अगली दफे कॉफी आप सुमन के हाथ कहीं पियेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना उनका। भाभी आने खाली आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या है कि उनके आने कोई वजह होनी चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि कोई उन्हें प्यार करता है, कोई उनको चाहता है, कोई उनके बिना नहीं रह सकता, कोई उनका इंतजार कर रहा है। कभी उसके बनाए खाने की तारीफ नहीं की, लगा उसे पता होगा। कभी उससे ये नहीं कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, लगा उसे पता होगा। जाते वक्त उसे रोकना चाहा, कहना चाहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता किरण, लेकिन कह नहीं पाया। लगा उसे पता होगा, मेरी गलती है। पापा, प्यार बोलने का भी नाम है और चुप रहने का भी, पर सुनाई सिर्फ तभी देता है जब कहा जाता है। अब सुनाई का भी कोई फायदा नहीं है बेटा। अरे पापा जी। है पापा, जो काम आपने 24 साल में नहीं किया ना, वो अब होगा, जरूर होगा। करेक्ट, कैसे होगा, कैसे कहूं। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपनी बीवी से मिलने जा रहे हो, किसी दूसरे की बीवी से मिलने नहीं जा रहे। अपनी बीवी से बोलने में किस बात का डर? और नहीं तो क्या? क्या तुमसे खुल गए कि तुम्हें उसका शाहरुख खान हो? तू है मेरी किरण। दिखा दो जवानी को कि 52 साल का आदमी 18 साल के लौंडे से कम नहीं है, समझे? क्या आजकल कहते हैं कि भगवान के बाद अगर किसी को सब कुछ पता है, सब कुछ, तो वो है गूगल। जय गूगल, जय गूगल महाराज। मिलेगा नहीं मिलेगा पापा कुछ? अरे बत्ती ने बोला है। पापा ने बोला ये? हाँ पापा है तुम्हारे, उसने बोला है तो कुछ ना कुछ मिलेगा। बड़ों के बातों में बात होती है जरूर। हाउ कैन वी मेक लव? गूगल में कौन देखता है? क्या लिख रहे हैं ये? कैन, के ए एन, के सी ए एन, कैन, हाउ कैन वी बी। पापा ये, अरे क्या लिखना है मुझे, मैं भूल जा रहा हूँ भाई। हाउ कैन वी लव? लिखिए। आएगा, अभी आएगा। हाँ जरूर आएगा, तुम्हारे जबरदस्त बड़ा वाला तो आएगा, देखना आएगा। ये क्या दिखा रहे हैं आजकल? आप क्या देख रहे हैं आजकल? आ गया ना? आजकल मतलब क्या था ये? यही आपको देखना था ना? नहीं पापा जी, मम्मी को गए हुए 2 दिन नहीं हुए और आप इस सब पे आ गए। नहीं, गलती से। इसे तो बार बार क्यों खोल रहे हैं आप? भाई साहब, आप तो जानते हैं कि मैंने इतने साल घर के कामकाज में ही लगा दिए, और अब जब खाली हुई हूँ तो घर बिल्कुल काटने को दौड़ते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिन यहाँ आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ा लूँ। यहाँ? जी। ये भी तो पूछने की बात है, ये आपका इंस्टीट्यूट है, आपका हक बनता है, आप जब चाहे बेधड़क होकर यहाँ आ सकती हैं और जब चाहे पढ़ा सकती हैं। जब तक वीजा नहीं लगेगा मैं रोज आऊंगी। भगवान करे आपका वीजा लगे ना। मैं तो चाहता हूँ आप इसी शहर में रहें और मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाती रहे। मैंने बात की थी बत्रा साहब से ही, पूछा था आपसे भी पूछा था, मुझे याद है, लेकिन तब समय नहीं था। समय नहीं था कि परमिशन, शायद दोनों। खैर अभी तो समय है और अब परमिशन भी आपकी है। ठीक है। अरे इन बच्चों की किस्मत है कि ये आपसे पढ़े। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कैसी बातें कर रहे हैं आप। मैं आज ही व्यवस्था करूं? आज नहीं, क्लास में कल से करूंगी। आज मुझे मिलवा दीजिए ना। मैं बच्चों से मिलवाता हूं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और भाई साहब आपका ये चश्मा बहुत अच्छा है, मैं कहना चाह रही थी आपसे, पर बातों में लग गए।
ये आपको अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। ये आपको पसंद है? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। ये आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? अरे क्या चश्मा, अरे आप प्लीज 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 आप पे अच्छा लग रहा है। मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मुझे भी। आई लव यू किरण। गुड, सही जा रहे हो पापा। बस इसे थोड़ा सा इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी मतलब? इंटेंसिटी मतलब हाँ, गुस्से के साथ। आई लव यू। वाह पापा, थोड़ा सा I love you. I love you. यार ये तो बुरा मान गए। लव लेटर लिखना और पोस्ट ऑफिस में काम करना दोनों ही अलग काम है। हे भगवान, कंप्लीट करा दे। प्रिय डार्लिंग, पूजनीय, प्रेम का, इन सब को छोड़ो। कैसे कहूं कि मैं तुमसे कितना कितना प्यार करता हूं? प्यार गलत शब्द होगा, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। एक परछाई बनके मेरे आगे पीछे डोलती हो तुम हमेशा। किसके लिए? बीवी के लिए। अरे किसकी बीवी के लिए? अपनी बीवी के लिए भाई। अपनी बीवी को तो कोई भी नहीं देता। हम भी पहली बार ही दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम। ये लीजिए। कैसा अच्छा हुआ? मेरी तरफ से आपकी बीवी के लिए फ्री। क्या बोला बे? मेरा मतलब है मेरी तरफ से आपकी बीवी के लिए फ्री। गुड लक। अता सेना वाई माय वाई का तैयारी करेस। अता सिवानो होइंद्री देस। ऑलराइट, नाउ प्लीज नोट डाउन एवरीबॉडी। अता सेना वाई माय वाई का तैयारी करेस। अता सिवानो होइंद्री देस। अता सिवाइंदो का दाइस करेस। सकिना तावे मोंदो वाओ तोरा देस। अरे नहीं, अरे का तो पता ही नहीं। बैक प्रॉब्लम। किरण डायरेक्ट? किरण डायरेक्ट। हस्बैंड क्या कह सके? नीत है। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। क्या बोल रही है? बोल रही है पुलिस स्टेशन जाइए। पुलिस स्टेशन क्यों? पुलिस स्टेशन। ओके, बैक टू स्टडी नाउ। क्या है ये? कहाँ आप चीन जापान चले गए? अपना इंडिया वहाँ है, सेकंड रूम में राइट।
किरण मिल गई। किरण नचिकेता। किरण नचिकेता। किरण नचिकेता। किरण नचिकेता। किरण नचिकेता। अरे चलो यार। किरण नचिकेता। I don't understand. What is wrong with him? Carry on. An octopus. Or an umbrella. उनके पहले हमेशा एन लगता है। क्या लगता है? एन। इन्हें हम बबल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बबल्स। A-E-I-O-U। कल आप सबका टेस्ट होगा, ठीक है? घबराइएगा मत। लैंग्वेज जितनी बोलेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा टेस्ट होगा। कोशिश कीजिए, आप लोग जरूर कर पाएंगे। और हो सके तो किस में बात कीजिए? अंग्रेजी में बात कीजिए, ठीक है? अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। मुझे यकीन है कि आप सब बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। बिल्कुल नर्वस नहीं होना है आपको, ठीक है? बस जो भी मैंने आपको कराया है उसे अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए, बार बार पढ़िए। और कल मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। ये पकड़ो, ये भी पकड़ो। अंदर जो मैडम है ना, उनको जाके दे देना। बोला मैंने दिया। क्या बोलोगी? मैंने नहीं, मैंने दिया। बोला बोला अंकल ने दिया, ठीक है? जा, सुन सुन, ये दे दो। मैडम, बाहर वो अंकल है ना, उन्होंने आपको ये लेटर दिया है। क्या कर रहे हैं? ये मैं अच्छे घर का हूँ भाई। अरे क्या कर रहे हैं? अबे बस करो। हरी, अरे कौन शोर मचा रहा है इतना? भाभी वो कोई मजनू है, वो सीमा मैम को लव लेटर लिख रहा है। आई लव यू लगा होगा स्टाफ में, बताइए। शाहरुख खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या 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 किरण जी? अरे वो तो आपका नाम सुन। आजकल के लड़के भी ना बहुत ही बेशर्म है सच्ची। लड़के लड़के नहीं अंकल, पॉली टाइप है। बताइए अभी ऐसे हैं, पता नहीं जवानी में कैसे होंगे। अरे अगर इन्होंने जवानी में ध्यान दिया होता। आपने फिर शोर मचाया है। थोड़ी देखने पड़ते हैं। लगे है जैसे सुलझाने एक पहेली, खेले जैसे आंख में चोली, लगे है जैसे सुलझाने एक पहेली। बेबस हुआ तब से तेरा हुआ मैं, जब 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 से। है नया नया अनजाना सा जज्बा मेरा, जो नजरों ने नहीं देखा वो कहना पड़ा। हुआ
तब से तेरा हुआ मैं जब से तेरा हुआ मैं जब से खेल जैसे आंख में चोली लगे है जैसे सुलझाने एक पहेली खेल जैसे आंख में चोली लगे हैं जैसे सुलझाने एक पहेली बेबस हुआ तब से तेरा हुआ मैं जब 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 से हाँ ठीक है बात नहीं करनी है आपको पेशेंट से आपको बात नहीं करनी है ख्याल रखिए आ गया पैसे की चिंता मत करो वो बारिश बहुत हो रही है ना तो आम सड़े हुए मिल रहे हैं अपना घाट डूब गया पूरा पानी में कल रात में दुबे जी की बेटी की शादी थी ऊपर वाले मैं गया था 5 मिनट के लिए ऐसे ही फिरोज क्या मुझे नहीं जाना अच्छा कहाँ जा रही हो बिना ब्रेन के रह लूंगी इतने सालों से बिना ब्रेन के ही तो रह रही हो है तुम्हारे पास अठारह साल हो गए तुम्हारे पिताजी को गुजरे बेटा अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है कहो तो मैं तुम्हारे यशवंत से बात करूं नहीं मम्मी कोई जरूरत नहीं है माँ बंद करो ये सब और दीदी रात की फ्लाइट है आप चलने की तैयारी करो प्रीति ने कहा फूल दे दो जुगनू ने कहा लव लेटर सब किया मगर प्यार जिसे लव कहते हैं ऐसे कहां होता है वो तो गंगा में पहली डुबकी की तरह है शरीर पे पड़ते ही आत्मा तर हो जाती है सब धुला हुआ सब पवित्र सुंदर पाक जैसे सुमन और फिरोज पता है पूरे हफ्ते इस दिन का इंतजार करता हूं जब पूरा दिन तुम्हारे साथ गुजार सकूं इतवार का पता है फिरोज जब मैं छोटी थी ना तब हर संडे को मुझे मेरे तकिए के नीचे लेटर मिलता था नाम ना पता पर मैं जानती थी कौन लिखता था कौन पापा ये सर सुमन फिरोज जी सर वार्ड नंबर 2 बेड नंबर 7 राइट से सर no.
फिरोज, क्या हमने शादी करके गलती की? क्यों? पापा की चिट्ठी आनी बंद हो गई। कौन कहता है चिट्ठी आनी बंद हो गई? अभी मंगाता हूँ। ये चुमंता रे। अरे आ गई चिट्ठी। प्रिय सुमन, असीम प्यार, ये पत्र पढ़ के हो सकता है तुम गुस्सा करोगी, या मुझसे झगड़ा करोगी, या हंसोगी, या मुझे पागल समझोगी। वैसे मैं पागल हो गया था जब पहली बार देखा था तुमको, पर हफ्ते भर ना इस इंतजार में था कि जवाब कब दोगी। पूरे मोहल्ले को पता था मैं कितना प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन तुम्ही को पता नहीं था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। अच्छा, कितना? इतना? तुमसे कितना प्यार करता हूँ? इतना? 90 ml? अच्छा, तो मैं से इतना? तो फिर मैं इतना? और मैं इतना? और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? इतना? सुमन, ए चिट्ठी तो बाकी थी सुमन। पापा, पापा जी, पापा लेट हो गया, मम्मी जा रही हैं। पापा, आज रंग है माँ रंग है रे, आज रंग है रे माँ रंग है रे, आज रंग है माँ रंग है रे, आज रंग है माँ रंग है रे, मेरे महबूब के घर रंग है रे, ओ मेरे के घर रंग है रे, आज रंग है रे माँ रंग है रे, आज रंग है रे माँ रंग है रे, जिसके भी दिल में प्यार बसा है, जिस
जिसके भी दिल में प्यार बसा है, हर धड़कन में यार बसा है, हर धड़कन में यार बसा है, वो दीवाना है उसको पता है, इश्क इबादत इश्क खुदा है, इश्क इबादत आहे 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 रा, इश्क इबादत इश्क खुदा है, उन बिन फीका हर रंग है री, आज रंग है ए मां। नहीं आए ना तेरे पापा? पता था मुझे नहीं आएंगे, मेरे जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है मम्मी, वो भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो, बस वो बोल नहीं पाते। पिछले कुछ दिनों से सब कुछ कर रहे हैं जो आपको पसंद है। अगर उन्हें फर्क पड़ता ना तो वो यहां होते। मोसे जिया नहीं जाए मिलन बिन हाय, मोसे जिया नहीं जाए, प्रेम के रंग में रंग मत वाले, प्रेम के रंग में रंग मत वाले, चल कर रूठा यार मना ले, चल कर जिसके बिना तेरा जीना है मुश्किल, जिसके मिलन को तरसे तेरा दिल, जिसके मिलन को तरसे तेरा दिल, रंग के दिन कैसी जंग हरी, आज रंग है ए मां रंग हरी, आज रंग है ए मां। दीदी अब होना तो हो गया ना, अब हम कनाडा जा रहे हैं, प्लीज अपना मुख ठीक कर लो आप। लो पापा, अब भुगतो इनको। क्या रोको ना? नहीं नहीं ठीक कर रही हैं, जाने दो इनको, अच्छा कर रही हैं, अपना भला बुरा सब समझती हैं। अब क्यों? गुड गुड, एक बात कहना चाहूंगा तुमसे, तुमने सही कहा था, 24 साल तक मैं सिर्फ शादी का रिश्ता ही निभाता रहा, प्यार तो अब हुआ है मुझे तुमसे सच, तुमसे दूर होकर, तुम्हारे नहीं होने से तुम्हारे होने का एहसास और करीब हो जाओगी तुम मेरे। दीदी पंचायत बंद करो और चलो अब यहां से। ठीक कह रहा हूं, पंचायत बंद करो, गो गो नई जिंदगी जियो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर भी थोड़ा सा भी प्यार जागा ना, एक घर है यहां तुम्हारा, सब रख लिया ना, चलो पापा को बाय बोलो, मम्मी को से बाय, तुम भी आओ, तुम भी इनके चक्कर में ना फ्लाइट भी निकल जाएगी, मैं कह रहा हूं चलो अब, बहुत हो गया मिलना जुलना, चलो चलो दीदी लेके जाओ, आओ तुम।
आज पूरा एक महीना 16 दिन हो गए। अपनी जिंदगी अपने तरीके से अपनी खुशी से जीते हुए। यही तो चाहता हमने शायद। कितना कुछ होगा वहां देखने को, साफ सुथरी हवा, बड़ी सड़कें, और यहां वही का वही। क्या कहते हैं उस बड़े से झरने को, नालंदा फॉल? नालंदा नहीं, नायग्रा फॉल्स कहते हैं। मालूम है, मालूम है। गई थी मैं वहां, सब कुछ था, साफ सुथरी हवा, खुलापन, सब थे, बस तुम नहीं थे। और यहां तुम, तुम्हारे बिना सब कुछ खाली खाली सा दिखता है। तुम्हारे बिना मैं आ रही हूं, आप आएंगे ना? नहीं सामान, बस इतना ही लेके गई थी। अच्छे लग रहे हैं, आपसे कह रही हूं। अरे वो सोचा निकालने, मौसम तुम भी शॉल वॉल ओढ़ी हो। हाँ, ठंड थी फ्लाइट पर। पानी काट दिया यार। पानी काट दिया मतलब? मतलब घर का पानी काट दिया। पानी कैसे काट दिया उन्होंने? आपने बिल नहीं दिया होगा। दिया दिया दिया। तो फिर कैसे काट दिया उन्होंने? लेट दिया ना। कितनी मुश्किल होगी ना, मतलब ध्यान रखना चाहिए था ना आपको। तो 3 दिन से नहीं, तुम मत चिंता करो। खाना खाई हो क्या? नहीं, भूख लगी है मुझे तो बहुत। बनाए ना आलू परवल का दम, चावल, चने वाली चटनी। आपने बनाया? कपड़े धो लेता हूँ मैं। कपड़े धो लेते? तुम्हें अब तक तकलीफ नहीं होगी? तुम्हें अब वॉशिंग मशीन खरीद लिया ना? पेंट कराना होगा अब घर में। सारे डब्बे राशन के ना, सब बदल बदल दिए सब। भाई साहब, भाई साहब, थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ, सॉरी। चलिए, चलो चलो। बॉस की प्रेमिका आई है हवाई जहाज से। ऐसे कैसे बैठी हूँ? ठीक से तो बैठी हूँ। फिर थोड़ा पकड़ो ना, जोर से पकड़ो, थोड़ा थोड़ा। चलिए अब देखो। हर कहानी का हीरो शाहरुख खान नहीं होता, कभी कभी आपकी तरह मेरी तरह एक आम इंसान भी होता है अपनी कहानी का हीरो।